इडली हो या डोसा हो या फिर वड़ा हो, अगर चटनी साथ में ना मिले तो फिर तो साउथ इंडियन पूरा जितना भी क्विजीन है वो तो पूरा अधूरा ही लगता है। तो क्यों ना आज हम इतनी ही टेस्टी और मज़ेदार और होटल जैसी और सबसे बड़ी बात तो एकदम फटफट बनने वाली चटनी बनाएं। तो इसके लिए ले लिया है मैंने चना दाल, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जितनी चना दाल ली है, उसको 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर लिया था। और ले लिए मैंने 1 ग्रीन मिर्ची, और ले लिया है मैंने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और यहाँ मैंने 50 ग्राम जितनी डेसिकेटेड कोकोनट का पैकेट ले लिया है। ये मैंने कोई भी सूप मार्केट से ले लिया था, आप भी कोई भी सुपर मार्केट से इसको खरीद सकते हैं। तो ये 50 ग्राम्स का पैकेट है, इसका हम आधा ही यूज़ करके चटनी बनाएंगे। तो ले लिया है मैंने एक ग्राइंडर जार, और उसमें मैंने डाल दिया है जो हमने सोक करी थी चना दाल उसको, और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 ग्रीन चिली, उसके 2 टुकड़े करके हम डाल देंगे। फिर हम डाल देंगे यहाँ पर अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पर हम आधा पैकेट यूज़ कर रहे हैं हमारा जो ग्रेटेड कोकोनट था उसका, यानी ये 25 ग्राम जितना कोकोनट जो है हमें डाल देना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक। अब पानी डालने के बाद हम इसको जो है बंद कर देंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे, और ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो चटनी जो है बहुत ही लिक्विडी बनेगी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। अब जो है इसको हम पोर कर देंगे एक बोल में। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है हमारा पेस्ट बना है। थोड़ा सा पानी हम ग्राइंडर जार में ऐड करके उसको अच्छे से शेक करके हम वो पानी भी थोड़ा सा जो है वो हमारे मिक्सचर में डाल देंगे। अब जो है बारी आती है इसके अंदर बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार सा तड़का तैयार करने की। तो इसके लिए ले लिया है मैंने एक तड़का पैन जिसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर, पहले तो चेक करेंगे कि हमारा तेल जो है वो गर्म हुआ है या नहीं। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर राई 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच जीरा, और थोड़ा सा हमने यहाँ हींग भी लिया है। हींग को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा क्योंकि इससे टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। फिर डाल दिया है कड़ी पत्ता और 1/2 कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। अब जो है इस तड़के को हम डाल देंगे हमारी चटनी के अंदर। अब देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और कितना बढ़िया लग रहा है। ये जितना टेस्टी दिख रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो इसको फिर मिक्स कर देना है, और इसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं या तो डोसा, या तो इडली, या तो वड़ा, जिसके साथ भी आपको पसंद आए खाना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें इतनी ही टेस्टी और ईजी रेसिपीज़ के लिए।